सो ही गजर कैसे हो आप लोगों को कहता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो गजर हमारे OB41 अपडेट के बाद न्यू CS रैंक सीजन स्टार्ट होगा, जिसमें गजर आप लोगों को काफी सारे फ्री के रिवार्ड्स रैंक टोकन से एक्सचेंज करने को दिए जाएंगे। कुछ नए रिवार्ड्स भी आप लोगों को रैंक सीजन में से क्लेम करने को मिल जाए। तो आप लोगों को बताऊंगा न्यू CS रैंक सीजन में आप लोग कौन कौन से फ्री के रिवार्ड्स क्लेम करने को मिलेंगे एंड रैंक टोकन रिवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा गजर आप लोग के एडवांस सर्वर आ चुके तो आप लोगों को बताऊंगा एडवांस सर्वर को किस तरीके से डाउनलोड करके आप लोगों को लॉगिन करना है। और गजर बात करेंगे टुनाइट अपडेट के साथ ही OB41 अपडेट के बाद आप लोगों को गेम में कौन कौन से नए चेंजेस देखने को मिलने वाले। इसी तरह गजर और भी काफी सारे नए अपकमिंग इवेंट्स एंड अपडेट के बारे में आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होगी, सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखते रहना। पर गजर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है कि अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आज पे सेट कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा इसी तरह की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। सो गजर अगर आप लोगों ने दोनों काम मेरे लिए कर दिए तो बिना किसी देरी के बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो सो गजर बात करें सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि एज रेस्ट्रिक्शन के लिए निकल कर आ रही है। तो गजर जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो OB41 अपडेट के बाद आप लोग को हमारे गेम में प्रोटेक्ट ऑफ माइनर का एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें गजर अगर आप लोग 18 साल से कम हो तो भाई आप लोग को मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, वो आप लोग के पेरेंट्स के या गार्डियंस के होने चाहिए। और अगर आप लोग 18 प्लस करते हैं तो कोई भी वेरिफिकेशन करने की आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आप लोग यही सोच रहे मनु भाई यहाँ पे तो सब 18 प्लस कर लेंगे, तो मैं आप लोग को बता दूं काफी सारे बच्चे जो होते हैं जो पेरेंट्स के फोन में गेम खेलते हैं एंड पेरेंट्स गजर उन्हें वेरिफिकेशन करके देंगे, तब जाके गजर क्या होगा कि हो सकता है कि 18 से कम साल के जो भी प्लेयर्स रहेंगे उनको यार कुछ रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल जाए या गजर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए गेम खेलने को दिया जाए। इसके अलावा गजर आप लोग को थ्रो बॉल्स में एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा परमानेंट ग्लोल बटन का, जिसमें गजर अगर आप लोग ऑन करके रखते तो भाई आप लोग पास एक भी ग्लोल नहीं होगा तब भी आप लोग को ग्लोल का बटन दिखाई देता रहेगा, लेकिन अगर आप लोग इसे ऑफ कर देते हो तो गजर आप लोग पास अगर ग्लोल नहीं है तो भाई आप लोग को ग्लोल का बटन दिखाई नहीं देगा, तो ये चेंज भी होने वाला है। बाद में गजर वीडियो आगे बढ़ते हैं बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गजर जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो OB41 अपडेट के बाद आप लोग को होनर स्कोर में यहाँ पे रिपोर्ट फीडबैक का एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे गजर आप लोग जिन भी प्लेयर्स की रिपोर्ट करते हो तो रिपोर्ट हिस्ट्री में देखने को मिल जाएंगे एंड उन रिपोर्ट पर गजर क्या एक्शन लिया गया यानी गजर उन प्लेयर्स को क्या पेनल्टी लगी है उसकी भी गजर यहाँ पे आप लोग को डिटेल्स देखने को मिल जाती है पेनल्टी हिस्ट्री में। तो ये कहीं ना कहीं गेम को इम्प्रूव करने में काफी ज्यादा मदद करने वाला है हैकर्स के लिए तो खास करके। इसके अलावा गजर आप लोगों को गेम में एक सर्वे देखने को मिलेगा मतलब एडवांस सर्वे का सर्वे, जिसके लिए गजर आप लोग यहाँ पे कुछ सर्वे में क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा और इसी सर्वे में पार्टिसिपेट करने पर गजर आप लोग को अपनी रियल आईडी में फ्री का रिवार्ड सेंड किया जाएगा, वो भी मेल बॉक्स में। अब वो रिवार्ड क्या होने वाला है इसके लिए तो कोई भी अपडेट नहीं है, पर गजर अगर आप लोग को रियल आईडी में रिवार्ड लेना है तो सर्वे को में पार्टिसिपेट करके यहाँ पे आप लोग अपनी मेन आईडी दे देनी है, जो भी आप लोग की यूआईडी नंबर है तो यहाँ पे अपना आप लोग को यूआईडी नंबर डाल के सबमिट कर देना है। उसके बाद में गजर आप लोग को मेल बॉक्स में कुछ फ्री का रिवार्ड करने फिर की तरफ से सेंड किया जा सकता है। साथ ही गजर आप लोग को OB41 अपडेट के साथ हमारे स्टोर में भी अपडेट देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा स्टोर वाला सेक्शन था उसका UI यहाँ पे पूरा चेंज हो चुका है, कुछ अलग टाइप से आप लोग यहाँ पे स्टोर देखने को मिलने वाला है। आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो कि भाई आप लोगों को टोकन्स परचेज करने या अगर गोल्ड के कॉइन ऊपर आने चाहिए, गोल्ड कॉइन के रिवार्ड्स ऊपर आने चाहिए, अगर आप लोगों को डायमंड्स के रिवार्ड्स ऊपर दिखने के चाहिए, बंडल्स क्रेट्स फैशन के आइटम या वगैरह वगैरह जो भी आप लोग के स्टोर में देखने को मिलते हैं सब कुछ गजर या आप लोग को यहीं से परचेज करना पड़ेगा। इसके अलावा गजर मैं आप लोग को बता दूं आप लोग यही सोच रहे हैं कि गिफ्ट स्टोर कहाँ पे होने वाला है, तो गजर आप लोग नीचे यहाँ पे दो आइकन देख पा रहे हो, एक गजर आप लोग को स्टोर के देखने को मिल रहे हैं एंड गजर एक आप लोग गिफ्ट आइकन देखने को मिल रही है, तो गजर यहीं से आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी गिफ्ट कर सकते हो। सो OB41 अपडेट के बाद गजर आप लोग को हमारे स्टोर के UI में भी एक न्यू चेंज देखने को मिलने वाला है। इसके बाद में गजर वीडियो आगे बढ़ते हैं बात करें आप लोग की टू नाइट अपडेट के बारे में। तो गजर जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कल आप लोग को हमारे इंडिया सुपर लाइटिंग बनी बंडल के लिए एक न्यू इवेंट देखने को मिलने वाला है, जो कि गजर कभी भी हमारे इंडिया सुपर ऐसा इवेंट नहीं आया, एक वेब इवेंट होगा। तो गजर मैं आप लोग को बता दूं इस वेब इवेंट में गजर सबसे पहले आप लोग को हमारे बनी वॉरियर बंडल को परचेज करना पड़ेगा, अगर आप लोग पास पहले से है तो गजर आप लोग को या तो परचेज करना पड़ेगा या अगर आप लोग पास पहले से तो बनी बंडल को परचेज करने के बाद आप लोग को इस बनी बंडल को लाइटिंग बनी बंडल से अपग्रेड करना पड़ेगा, यानी गजर आप लोग की डायमंड्स लगेंगे अपग्रेड करने के लिए भी, पर उससे पहले जरूरी है गजर आप लोग के पास पुराना वाला बनी बंडल हो। तो कुछ इस तरीके का आप लोग को इवेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे लीक निकल कर आ रही है बाहर के सर्वर पर, तो गजर डायरेक्ट टोकन विद इवेंट में दे रहे हैं बनी बंडल को, लेकिन गजर हमारे इंडिया से पहले पुराना परचेज करो फिर उसके बाद में नया का अपग्रेड करो, मतलब कि भाई दबा के कटने वाला है इस इवेंट में जहां तक मुझे लगता है, बाकी देख लेना कल जो भी इवेंट आएगा, मेरे को अभी तक प्री एक्सेस नहीं मिला नहीं तो मैं आप लोग को रिव्यू करके भी बता देता। कैसे लोग गजर इसके बाद में आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग को एडवांस सर्वर को किस तरीके से डाउनलोड करना है एंड गजर आप लोग को एडवांस सर्वर में किस तरीके से लॉगिन करना है। पर गजर उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे वीडियो पे बने रहो, आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि आप लोग को हमेशा इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगे, आप लोग आने वाली कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे। इसके बाद में गजर बात करें आप लोग के एडवांस सर्वर के बारे में किस तरीके से डाउनलोड करना है, तो गजर जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना है, यहाँ पे आप लोग को एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा 1 GB का होने वाला, यही आप लोग का एडवांस सर्वर, सिंपल इसे
डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद गजर सिंपली इसे इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। जैसे गजर आप लोग इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे कुछ परमिशंस आप लोग को अलाउ करनी पड़ेगी, सिंपली इनको सबको अलाउ कर देना है। एंड गजर गेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग गेस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को फाइल मैनेजर में रिडायरेक्ट कर देगा। एंड गजर इसे यहाँ पे क्लिक में कर देना है कि यूज़ दिस फोल्डर पे। एंड जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हो तो आप लोग फ्री फायर गेम में रिडायरेक्ट हो जाओगे। अगर हो जाते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं होते तो गजर आप लोग को वापस अपने गेम को रिस्टार्ट करना है। एंड गजर यहाँ पे आप लोग को सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग से पूछा जाएगा कि भाई आप लोग बिगिनियर हो या पहले से आप लोग खेलना आता है। तो सिंपली गजर आप लोग वो सिलेक्ट करके यहाँ पे अपने यूजर नेम डाल सकते हो, जो भी आप लोग यूजर नेम डालना चाहते हो। लेट्स गो पे क्लिक कर देना है। और लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद गजर यहाँ से आप लोगों को एक्टिवेशन कोड डालने के लिए बोलेगा। एक्टिवेशन कोड लेने के लिए गजर आप लोग क्या करना है मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर में जाकर यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है फ्री फायर एडवांस। जैसे आप लोग सर्च करोगे तो टॉप में गजर आप लोग को हमारे फ्री फायर एडवांस सर्वर की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, जहां पे गजर आप लोगों ने प्री रजिस्ट्रेशन किया होगा। अगर आप लोगों ने पहले से लॉगिन कर रखा तो अच्छी बात है, अगर लॉगिन नहीं कर रखा तो गजर आप लोग लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद गजर यहां पे आप लोग अपने एक्टिवेशन कोड देखने को मिल जाते हैं, जिनको गजर आप लोग को सिंपल यहां से कॉपी कर लेना है। और कॉपी करके गजर आप लोग अपने फ्री फायर गेम को वापस से ओपन करके यहां पे एक्टिवेशन कोड को पेस्ट कर देना है। फिर गजर ओके पे जैसे क्लिक करोगे तो गजर आप लोग को यहां पे एडवांस सर्वर एक्टिवेट हो जाता है सक्सेसफुली। इसके बाद में गजर आप लोग एडवांस सर्वर में लॉगिन कर सकते हो, गेम वगैरह खेल सकते हो। पर उससे पहले गजर यहाँ पे आप लोग को एज रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग 18 साल से कम के हो तो गजर आप लोग को यहाँ पे मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो आप लोग 18 साल से ऊपर का ही सिलेक्ट करना एंड आप लोग को मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद में गजर आप लोग का एडवांस चालू हो जाएगा और आप लोग गेम खेल सकते हो। और गजर अभी फिलहाल कुछ बंदों के मैच मेकिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो कल जब सब बंदे डाउनलोड कर लेंगे तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत करना। तो गजर अब वीडियो आगे बढ़ते बात करें आप लोग के नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपडेट के बाद आप लोग के पीक को मॉडिफाइड कर दिया गया, यानी गजर ओल्ड पीक यहाँ पे बिल्कुल रिमूव कर दिया गया। एंड आप लोग को ओबी 41 अपडेट के बाद हमारा न्यू पीक देखने को मिलेगा, जो कि यार काफी बड़ा सा घर आप लोगों को बीच में देखने को मिल जाता है। तो गजर आप लोग को ये वाला चेंज कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना, क्योंकि यार मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। हालांकि हमारे जो ओल्ड पीक था वो भी काफी ज्यादा अच्छा था एंड हमारी कुछ मेमोरीज कुछ यादें पुराने पीक के साथ जुड़ी रहेंगी, लेकिन गजर टाइम के साथ गेम में चेंजेस आना भी जरूरी है, क्योंकि यार गेम काफी ज्यादा बोरिंग हो जाता है एक ही एक चीज को खेलते खेलते। आप लोग को पता है जैसे कि आप लोग डेली एक ही एक खाना खाओगे तो आप लोग भी उस चीज से बोर हो जाते हो। तो ये चेंज गजर आप लोगों को ओबी होटल अपडेट के बाद हमारी पीक वाली जगह पर देखने को मिलेगा। इसके बाद में गाइस वीडियो आगे बढ़ते हैं बात करें आप लोग के न्यू सीएस रैंक सीजन फ्री रिवार्ड्स के बारे में। तो जैसे कि आप लोग को पता है ओबी 41 अपडेट के बाद हमारा न्यू सीएस रैंक सीजन 22 स्टार्ट होने वाला है, जिसमें गाइस आप लोग को बिल्कुल भी फ्री में इमोट क्लेम करने को दिया जाएगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सीएस रैंक ग्रांड मास्टर के लिए एक न्यू इमोट आइकन निकल कर आ चुके, जो कि आप लोग को ओबी 41 अपडेट के बाद हमारे देखने को मिलेगा फ्री में इमोट। एंड साथ ही में गाइस बीआर रैंक ग्रांड मास्टर के लिए भी एक इमोट यहाँ पे निकल कर आ चुके, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। दोनों इमोट का मैं आप लोग को रिव्यू करके नहीं बता सकता, लेकिन गाइस आइकन देखने पर आप लोग को पता लग रहा होगा काफी ज्यादा खतरनाक इमोट होने वाले, जो कि गजर आप लोगों को ग्रैंड मास्टर रैंक पे मिलने वाले। और गजर रही बात रैंक टोकन से बंडल को एक्सचेंज करने की, तो मैं आप लोगों को बता दूं गजर रैंक टोकन के नए बंडल का अभी यहां पे प्री एक्सेस नहीं हो पा रहा है, लेकिन गजर ओबी 41 अपडेट आने से पहले मैं आप लोगों को 100% क्लियर कर दूंगा कौन सा नया बंडल आप लोगों को रैंक टोकन से एक्सचेंज करने को दिया जाएगा। फिलहाल तो यहां पे कोई अपडेट्स निकल कर नहीं आ रही है। तो गजर यही सारी नई अपडेट्स आप लोगों के लिए निकल कर आ रही थी, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। होप करता हूं आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रही होगी एंड पसंद भी आई होगी। तो अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई न्यू इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।